व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। और जो भी चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो अभी मैं आया था ऊपर, ये साला डिस्ट्री भी ख़राब हो जाता है, तो इसमें एक देसी जुगाड़ करना पड़ता है गाइस। ये डंडा इसमें लगाना होता है और हल्का सा ऊपर कर दो बस, अभी लग जा, तो इससे ये हिलेगा नहीं। तो यही हिलता रहता है, बारिश जब होती है तो नेटवर्क आती नहीं है। तो बारिश सुबह से हो रही है, अभी तो फिलहाल रुक चुकी है। और मौसम देखो एक बार, बादल बादल है, पता नहीं कब बारिश आ जाए। तो बारिश रुकने का ही वेट कर रहे थे। और सही चल रहा है मौसम भी, वरना तो रोज़ गर्मी होती रहती थी, तो बारिश होके थोड़ा सा ठंडा हो गया है मौसम। और फिलहाल तो अभी मेरे को जाना है दोबारा से रेलवे स्टेशन। मैं कल गया था तो रिजर्वेशन जो काउंटर था वो बंद था, तो देखते हैं अभी कि खुला है या नहीं है। तो अभी यहाँ पे आ चुके हैं रिजर्वेशन ऑफिस, ये अपनी बाइक खड़ी है, ये रिजर्वेशन ऑफिस है। और यहाँ से फॉर्म लेना है पहले जाके, तो अभी फॉर्म ले लिया। ये इस तरफ है इंग्लिश में और इस तरफ है हिंदी में, तो इसको फिल करना है और फिर यहाँ पे सबमिट करके फिर टिकट मिलेगा, तो इसको फिल करते हैं। तो फाइनली अपनी जो टिकट है वो मैं दिखा तो सकता नहीं हूँ, पर हो गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन काउंटर है यहाँ पे भीड़ नहीं लगती। अगर आप कहीं पे नोटिस करोगे तो इतनी भीड़ रहती है। तो अभी कुछ खाने चलते हैं, टिकट तो हो गई है ना। तो गाइज अभी आ गए हैं घर पे और एक बार मम्मी के पास चलते हैं, मम्मी को भी बता देते हैं भाई टिकट जो है अपनी बुक हो चुकी है, सारी कन्फर्म है। दो विंडो सीट है, तीन अपर की है। टिकट दिखा मम्मी को। मम्मी यहाँ पर आराम से लेटी है, टीवी देख रही है। टीवी क्यों? दो महीने पहले बना रहा हूँ, दिखा नहीं रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं हम? जब भी बताएंगे, जब जा जाएंगे। ये देखो टिकट, तो अभी नहीं बताएंगे। या भी बताऊँ? बाद में गाइस, मम्मी के बात माननी पड़ेगी, ठीक है ना। ये हमारे घर के हेड है, हेड नजर लगा रहे हो। और दो हमें मिली है लोअर बर्थ ना, दो लोअर बर्थ आने का। तो फिलहाल हमारी यहाँ पे बन रही है मैक्रोनी, यहाँ पे बॉइल होने के लिए रखती है। और जब तक यहाँ पे लग रहा है इसमें तड़का, शिमला मिर्च और फली, और इसमें मसाले डाले गए हैं, ये अपने मसाले रखे हैं। क्योंकि बाहर का खाना मम्मी बोल रहे कि मत खाओ, इससे अच्छा तो मैक्रोनी बना लो। तो इसको अभी तैयार करते हैं जल्दी से। ये गई इसमें मिर्च, ये कश्मीरी मिर्च, और ज़्यादा कश्मीरी मिर्च। नमक तो डालो, नमक नमक। अब इसमें जाता है नमक, ओके। तो थोड़ा बहुत ही टाइम लगेगा क्योंकि ये तो बॉइल हो ही गई है। वैसे एक बार चेक करते हैं, हो गई ना, वैसे ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई है गई। अब ये हो गई है, इसको निकाल के, पानी निकाल के फिर इसमें डाल देंगे जब तक इसका तड़का हो जाएगा। तो अपनी मैक्रोनी यहाँ पे बन गई है और सामने मैं ब्लॉग देख रहा हूँ। और ये रात के लिए मैंने अलग से रख लिए क्योंकि रात को भूख लगी तो मैं ये खा लूँगा। तो अभी इसको फिनिश करते हैं और फिर आलू से भी मिलना है। आलू का भी मैसेज आता है कि भैया कहाँ पे हो, तो अभी फिनिश करते हैं फिर आलू से मिलने जाते हैं। तो अभी हम ऊपर आए थे क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। और देखो झंडा, देखो हवा सही चल रही है एकदम। और आलू बोल रहे भैया आज पतंग उड़ाते हैं, बहुत दिन हो गए है ना, मन कर रहा बहुत। तो अभी ये कन्ने बांध रहे हैं और फिर उड़ाएंगे, बन गए। तो अभी देखते हैं ये उड़ा पाता है नहीं उड़ा पाता है। उस दिन तो तूने उड़ा ली थी पहले, है ना। चल चल बेटे। सीख तो गया से। चल चल चल, हो जाएगा हो जाएगा, कर कर कर। क्योंकि अभी पतंग का सीजन भी स्टार्ट होने वाला है, तो धीरे धीरे अभी पतंग उड़ रही है और हल्की हल्की बारिश भी आ रही है। मौसम ठीक हो रहा है वैसे तो, अभी बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले, है ना। हाँ सुबह तो बहुत ज़्यादा हो रही थी बारिश, हो नहीं पा रही क्या। चल चल ढील दे ढील दे। तो कैसे उड़ाता है ये, उड़ गई उड़ गई। अरे वाह, सीख गया भाई तू तो। आइए ये देखो गाइस, वाह बेटे मौज कर दी तूने तो, सही है। देखो देखो उड़ गई भाई, अब तो उड़ा देगा ये। ढील दे ढील दे। आसपास कोई पतंग तो नहीं उड़ रही है, पेश नहीं कर पाएंगे किसी से। सदी से उड़ा रहे हैं,
तो थोड़ी देर ही उड़ाएंगे, फिर इसका मन सा भी हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आलू अपने बाल सेट कर रहा है एकदम फुल। कैसे करता है तू बाल सेट है ऐसे? आइए और एक बार वो देखते हैं, कल हमने चूहेदान लगाया था ना, उसमें चूहियाँ आई नहीं आई यार? इसमें तो चूहियाँ आई नहीं थी, क्या गड़बड़ हो रही है? कुछ तो है इसमें गड़बड़ है ना मम्मी? मम्मी इसमें चूहियाँ तो आई नहीं थी यार, इसमें चूहियाँ नहीं आ रही है। अरे तो इसको भाई कुछ करते हैं ना, धो के इसको दोबारा से रोटी लगाते हैं इसमें। और ये आलू अब खा रहा है मैक्रोनी। आइए कैसी लग रही है, हैं? आराम से बैठ के खा ले, एक बार थोड़ी सी मेरे को भी दे, खा के देखता हूँ। मैंने भी खा ली वैसे तो, पर मस्त बन रही है मैक्रोनी। मैं आ गया भाई छोटी। तो गाइस जस्ट अभी मैं बाहर बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहा था और एकदम टक देने से आवाज आई, मम्मी ने बताया कि देखो आगे इसमें चूहियां है ना मम्मी। ये देखो आलू कहाँ है, आलू ओए ये देख पकड़ी गई एकदम से आवाज आई टक देने से। इसको फेंक कर आए, आ जा सामने सड़क के पास, बहुत दूर छोड़ जाएंगे भाई इसको। तो अभी जस्ट मैं इसको, अभी हम देख रहे थे ना कुछ नहीं आया ना, तो इसको फेंक के आते हैं भाई। आ जाओ टुक 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 टुक। और यहाँ पे एक जगह है वहाँ पे छोड़ जाएंगे इसको भाई। रात को बारिश आ सकती है, आलू मौसम ऐसे हो रहा है। टीणी 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 ओए वो तो पतंग लूटता है ना। तो ये जो छोटे छोटे छेद रखे हैं इनमें कहीं डाले हैं ना, इस वाले में डालेंगे। आजा इस वाले में, पक्की बात जा, चली गई ना। आइए मिशन सक्सेसफुल। तो फिलहाल गाइस हम बैठे हैं अपने होल में और आलू अब इससे खेल रहे हैं। क्या नाम है इसका, नाम बताओ इसका ललवा ओपी नाम है। और ये रहे आलू के स्केच पेन, ये लो कल से जाना है ना स्कूल, तो आज इसका स्कूल बंद था बारिश की वजह से, ये जा नहीं पाया। और कल इसको मैं छोड़ने जाऊंगा, कितने बजे? 7:30 और ये कह रहा है कि भाई कल इतनी जल्दी उठेंगे कैसे। और तो इसके लिए भी चैलेंज है और मेरे लिए भी चैलेंज है, क्योंकि आदत नहीं है ना, मैं उठता हूँ 9 या 10 बजे। और तू तो कब उठता है? एक दो तो कल क्या होगा हमारा आलू भाई है? तो गाइस ट्राई करते हैं कि जल्दी उठा जाए कल और इसको स्कूल ड्रॉप करूंगा फिर। और मेरे को कल वैक्सीन लगवाने भी जाना है, मेरे तो लग गई है पर भाई को लेके जाना है, भाई के साथ वैक्सीन लगवाने जाना है। तो ये वाला लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए पीस आउट।